तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कॉल सेंटर जाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। यार हम लोग बैठे हुए इन्फिनिटी की वेटिंग एरिया में, वहाँ पे एचआर का रूम है, उधर जाएंगे इंटरव्यू देने। बैठे हुए अभी ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके अंदर जाएंगे। राइट डिस्पोजिशन में डिस्पोज करो ताकि जो आपके पास चेक डाटा भी फ्रेश रिपीट हो और ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका गुड टू गो। यार सबसे पहले आपने 4-5 क्वेश्चन करोगे ना। यार भाई इधर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट वो देते हैं इंटरव्यू के बाद। मुझे याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फाइनल एक्सपेंस की कंपेन पे गए हो तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कर ले, व्हाट इज फाइनल एक्सपेंस। तो यार आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों ने कॉल सेंटर ज्वाइन करना है और मैंने उस टाइम कॉल सेंटर छोड़ा हुआ था। तो मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था कि मैं दोबारा कॉल सेंटर ज्वाइन करूंगा, तो आपने मेरी सारी जो प्रोग्रेस होता है कॉल सेंटर ज्वाइन करने का तो सारा देख लेना और उसको सेम टू सेम अप्लाई कर लेना। कि मतलब आप भी जाओगे जब कॉल सेंटर जॉब के लिए तो आप भी यही कुछ करोगे जो भी मैं करने लगा हूँ। इस वीडियो को मतलब गौर से देख लेना कि आप जब घर से निकलोगे तो क्या होता है, कैसे होता है। वैसे मैं सिंपल सिंपल बता देता हूँ, अभी हम जा रहे हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में सबसे पहले इंटरव्यू देंगे, फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ट्रेनिंग के बाद हमारी डायलिंग पे बैठेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, अभी हम निकल रहे हैं। तो यार अभी मैं पहुँचा हूँ अपने दूसरे घर, यहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे कॉल सेंटर की तरफ। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कॉल सेंटर जाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ अपना सिर्फ ये मुँह, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है लेके जाने के लिए। आप भी सिर्फ अपना मुँह उठाओ और कॉल सेंटर चले जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपने जाना है जाके आपने इंटरव्यू देना है जैसे हम जा रहे हैं। बाकी साथ साथ बताता हूँ, चलो भाई। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, मैं आपको लोकेशन शेयर कर देता हूँ। ये नादरा का प्लाजा है रिमानाबाद में। तो यहाँ पे है कॉल सेंटर, कॉल सेंटर यहाँ से इधर नीचे जाएंगे ना बेसमेंट में, लास्ट में इन्फिनिटी सॉल्यूशन के नाम से है। तो वहाँ पे जाके पता नहीं क्या कह रहा हूँ, खैर वहाँ पे जाके इंटरव्यू देंगे तो आगे बताता हूँ आपको। तो यार मैं प्लाजे के अंदर आ गया हूँ, ये है जी सेंटर जिसमें मैं जाऊँगा। वैसे आज साल की मैंने बड़ी बात की, लड़का उधर काम करता था, खैर हमने उधर जाना, हम उधर जा रहे हैं, पूछते हैं क्या हिसाब किताब है। तो यार हम लोग बैठे हुए हैं इन्फिनिटी की वेटिंग एरिया में, वहाँ पे एचआर का रूम है, उधर जाएंगे क्या कहते हैं उसको इंटरव्यू देने। तो देख के बताते हैं फिर इंटरव्यू कैसा होता है, आपसे भी शेयर करता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। और वो ट्रेनिंग रूम है इनका, मैं जाके कोशिश करूँगा दिखा दूँ बेहतर है और जी जो भी है, ठीक है। और ये हमारे क्यों है भाई, मतलब इनका काम होता है कॉलेज शॉलेज चेक करना। तो अभी जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या हिसाब किताब हुआ है। तो यार अभी हमने इंटरव्यू दिया था, अभी आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने, इधर रूम में बैठे हुए अभी ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके अंदर जाएंगे। ट्रेनिंग में यार ट्रेनिंग पे मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे होती है और क्या होता है। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग खुद लेते हैं तो फिर अंदर जाते हैं, तो अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं अगर आज अंदर भेज दिया इन्होंने। राइट डिस्पोजिशन में डिस्पोज करो ताकि जो आपके पास चेक डाटा भी फ्रेश रिपीट हो और ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका गुड टू गो। यार भाई इधर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट वो देते हैं इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग में। यह स्क्रिप्ट होती है होटल में, पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, पढ़ के मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन ये कुछ देख लो ऐसे ऐसे सीन है। और रिपोर्टर यहाँ पे होंगे, हाँ बस इसको रेडी कर लो और आके बोलो भाई मैंने इंटरव्यू देना है और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और आपको मौका में यही जो होगा, हेलो माय नेम इज़ ज़ैक, हाउ आर यू डूइंग टुडे, इस तरह मतलब पढ़ लो यार उसको, हो जाएगा ठीक है। तो फिर आपको इजीली यहाँ पे रख लेंगे और आपने फिर यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है। अब ट्रेनिंग यहाँ पे मैं खुद ही देता रहा हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो असल में मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने ज्वाइन करना था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं इधर आके बैठा हूँ तो उन्होंने जो ट्रेनर था उसने कहा यार इससे पूछ लो। यार सबसे पहले आपने 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपने एक कॉल लोकल प्रोवाइडर को ट्रांसफर कर देंगे, वेरिफिकेशन के 4-5 लड़के से बैठे हुए, तो उनके पास जो कॉल जाएगी उन्होंने फिर कुछ मेडिकल क्वेश्चन करने होते हैं और 4-5 क्वेश्चन और करने होते हैं। वो करने के बाद वो लाइसेंस एजेंट को कॉल ट्रांसफर कर देता है जो यूएस में बैठा होगा, ठीक है। तो लाइसेंस एजेंट कस्टमर से 120 सेकंड तक अगर बात करेगा तो आपकी एक सेल काउंट होगी, उसके बाद वो कस्टमर को बता दें जो मर्जी करोगे वो आपका एडिक नहीं है। आपने 120 सेकंड उसको बात करा दी तो बस आपकी सेल काउंट होगी। और यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कि एक मंथ में 36 सेल्स करनी है, पर अगर उससे काम हुई तो आप परफॉर्मेंस टॉप ले रहा है। मेरे ख्याल में न्यू बंदों को शायद ना लगे या लगे, हमें तो बताया था कि हमें तो लगेगा, आपको नहीं पता, पूछते हैं उनसे कि परफॉर्मेंस का कैसे। मैंने बताया तो अभी
उधर उनको छुट्टी हो गई है, तो हम भी यहाँ से बस निकलने वाले हैं। अंदर हम कल जाएंगे, डायलिंग वगैरह जो सिस्टम होगा सारा हमारा कल होगा, और मेरी सैलरी भी वो कल बताएंगे फाइनलाइज करके। अभी जाते हैं बाहर, देखते हैं अंदर फ्लोर, अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो आपको फ्लोर भी मैं दिखाता हूँ कि फ्लोर पे कैसे कैसे काम कर रही हैं भाई। मेरे यहाँ पे पीछे सीईओ ऑफिस है, ठीक है, और मेरे लेफ्ट पे ये जो है ये एचआर रूम है, और ये जिधर मैं बैठा हूँ ये ट्रेनिंग रूम है, और बाहर वेटिंग एरिया, ठीक है, मतलब ये सेंटर का यही जो है वो है। यार सेंटर से मैं वापस आ गया हूँ, मुझे याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो यार सिंपल इंटरव्यू में मैंने पिछले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही आप जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो होता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, मस्ट है, हर जगह होता है ये, गूगल कर लो आपको सिंपल पता लग जाएगा कि अपना नाम बताना होता है, अपनी एज बतानी है बताओ, और कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े हो बताना है वो बताओ, तो इस तरह इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर आप फाइनल एक्सपेंस की कंपेन पे गए हो तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कर ले, व्हाट इज फाइनल एक्सपेंस, तो आपने बोलना है कि फाइनल एक्सपेंस इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट कवर 100% ऑफ योर फ्यूनरल एंड बरियल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बोलोगे ये क्वेश्चन क्लियर, तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ लेगे व्हाट्स योर हॉबीज, सो आप बोल दो माई हॉबीज टू प्ले क्रिकेट, या जो भी, चलो क्रिकेट ही बोल दो, कौन सा वो उसने आपको उसके हिसाब से जॉब देनी है, बस उसने यही जज करना होता है कि आपको उसकी बात समझ आ रही है और आप उसको क्या रिप्लाई करोगे, सिर्फ इतना से चेक करना होता है, वो सिंपल क्वेश्चंस कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो वो आपने बोलनी है इस टाइम पे मेरे ख्याल में 35-8 एक ठीक अमाउंट है, 30 मिलती है, 35 मिलती है, 40-45 मिलती है। हाँ, और एक और क्वेश्चन वो ये कर सकता है कि व्हाई यू नीड दिस जॉब, तो सिंपल उसको बोलो जस्ट फॉर अर्न मनी, आई नीड सम मनी, फाइनेंशियल इश्यू, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन होंगे, कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं करता, जहरी बात अब CSR के लिए जा रही हो, कह रही हो फ्रेश ही हो, तो यही होता है, इतना कोई चक्कर नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है, उसके बाद मॉक कॉल होती है, आज मैंने खुद लड़कों से मॉक कॉल ली है, मॉक कॉल का इतना इशू नहीं होता, वो स्क्रिप्ट होती है, वो याद करनी होती है, देख के ही बताना होता है वो, मतलब ओके सीन है। मैं मॉक कॉल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की वीडियो, लेकिन मैं पुरानी वीडियोज मेरी पड़ी हैं, अगर वो देखनी है देख लो, नहीं तो मैंने दोबारा बनानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए जब मैं ये सारी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। उसके बाद ये सारा ट्रेनिंग के बाद आप लोग जाते हो अंदर, ठीक है, अंदर जाने के बाद क्या होता है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि अंदर का माहौल कैसा है और आप लोग क्या करते हो। यार अगर आप मेरे सेंटर में इंटरव्यू देने आए तो एक बार मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लेना कि मैं अभी तक उस सेंटर में काम कर रहा हूँ कि नहीं काम कर रहा। अगर मैं उस सेंटर में काम कर रहा हुआ तो मेरे सेंटर में आने के बाद सबसे पहला जो भी बंदा आपको नजर आएगा अंदर, कोई भी हुआ उसको कहना कि अंदर से बिलाल कुरैशी को बुला दें, ठीक है, वो फिर वहां से मुझे बुलाएंगे अंदर से, तो मैं खुद बाहर आके आपको पहले बता दूंगा कि क्या क्या हिसाब है, और मैं खुद जाके HR से बात कर लूंगा जो आपका इंटरव्यू लेगा, तो वहां से आपका इंटरव्यू करा के फिर आपको भेज दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आए आके कहें कि इस तरह मुझे बाहर भेजें, मैं बाहर आ जाऊँगा तो फिर मैं आपको सारा मतलब बता दूंगा, उस सेंटर में अगर ना हुआ तो किसी और सेंटर का अच्छे का बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे बाजू में दर्द हो गया इधर कैमरा उठा उठा के। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन है मेरे से इंस्टा पर पूछ लो, ज़्यादा दोहरा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।